To explain the concept of asset turnover ratio to a greater extent, I'm going to use the data, some numerical example, to explain how the asset turnover ratios can be calculated and how they can be compared. And when you calculate the value of asset turnover ratio for several businesses or several firms, what do they tell us about those firms? So we already know that asset turnover ratio is an indicator of how efficient a firm or a business is operating so for the sake of example i am going to take a, take into account the data from four companies uh, the first one is walmart incorporation and the data for this particular company has been taken from nyse's website then uh, there is this another company whose name is target corporation and the data is taken from nyse uh, and the short uh, symbols that have been used in on these websites of um, new york stock exchange for walmart and target corporation um, are wmt and tgt respectively uh, similarly we have taken the data the real life data of at&t incorporation from the same um, uh, source nyse and this particular thing is abbreviated on nyse as capital t and the fourth company which has been taken in this example, whose values have been taken into account in order to calculate the values for asset turnover ratio, is the verizon communication incorporation. and again, the data is taken up from new york stock exchange market uh, website, uh, and it, this particular company is uh, abbreviated as wz. these uh, tamam values uh, 2016, the fiscal year, और ये लाइफ वैल्यूज हैं सो इन दिस एग्जाम्पल यू कैन सी दैट देर इज दिस डेटा फॉर ऑल ईच ऑफ द फोर कंपनीज और हमने देखा मिलियंस में वैल्यूज़ लिखे हुए हैं सबसे पहले हम बिगनिंग एसेट्स लेते हैं जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमने एवरेज टोटल एसेट्स लेने हैं डिनोमिनेटर में और एवरेज कैसे कैलकुलेट करने हैं आपने टाइम पीरियड जो भी आप टाइम पीरियड एनालिसिस पर्पज के लिए ले रहे हैं जो साल उसके साल के बिगनिंग में एसेट की वैल्यू क्या होगी उस साल के ख़त्म होने के वक्त एसेट्स की क्या वैल्यू होगी उन दोनों को अकाउंट फॉर करना है एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए सो बिगनिंग एसेट्स फॉर वॉलमार्ट टारगेट ए टी एन टी एंड वेरीजॉन हैप्पी एंड लिस्टेड हेयर एंडिंग एसेट्स को भी मैंशन किया गया है इन दोनों वैल्यूज़ को फॉर ईच ऑफ द फोर कंपनीज की एवरेज कैलकुलेट की हमने तो वो वन हंड्रेड नाइन्टी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड थ्री डॉलर्स वगैरह uh, वगैरह निकली इन चारों कंपनी की फिर हमने रेवेन्यूज़ को कंसीडर किया चारों कंपनीज का दैट हैज़ बीन अकाउंटेड फॉर अब आपने रेवेन्यू से रेवेन्यू को एवरेज टोटल एसेट्स के साथ में डिवाइड कर देना है तो वॉलमार्ट के लिए जसेट टर्न ओवर रेश रेशो की वैल्यू इस तरह से मिली है दैट टर्नस आउट टू बी टू टारगेट ने का वैल्यू है 1.79, पॉइंट सेवन टी का वैल्यू है 0.41 और वेरीजॉन की वैल्यू है 0.52। पॉइंट अब आप देख सकते हैं कि ए टी एन टी और वेरीजॉन की जो वैल्यू है ऐसे टर्न ओवर रेशो की दैट इज़ स्मॉलर देन वन इसका मतलब क्या है जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनीज की या सेलूलर कंपनीज की बात करेंगे तो वहाँ जो टोटल एसेट्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हाई टेक किस्म की महंगी मशीनरी बाय करनी पड़ती है जिसकी वजह से आपके टोटल एसेट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो अभी आप ऊपर एवरेज टोटल एसेट्स की वैल्यू देखेंगे फॉर ए टी एन टी की वेरेजॉन की इसको कंपेयर करें टारगेट से तो आपको काफ़ी फर्क देखने को मिल रहा है सो दैट्स द बेसिक रीज़न कि आपको ऐसे टर्न ओवर रेशियो फॉर ए टी एन टी और वेरेजॉन की वैल्यू दोनों वन से छोटे देखने को मिल रहे हैं लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी हमारे पास ये ग्रोसरी स्टोर्स या आम चीज़ों के बेचने का स्टोर है टारगेट उसके लिए आपको जो एसेट टर्न ओवर रेशो की वैल्यू देखने को मिल रही है बिकॉज़ वहाँ बहुत महंगे टोटल एसेट्स नहीं हैं बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के टोटल एसेट्स एज़ कम्पेयर टू द दिस पर्टिकुलर मोबाइल कंपनी ए टी एन टी के कंपेरिजन में आप देख सकते हैं उनके टोटल एसेट्स कम हैं तो आपको वहाँ जो ऐसे टर्न ओवर रेशो की वैल्यू है वो वन से बड़े देखने को मिल रहे हैं यहाँ तक कि वॉलमार्ट की वैल्यू टू पॉइंट थ्री जीरो है नाव वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट इज में डिफरेंट सेक्टर्स की क्या एस्पेक्ट को बता रही है तो so, जब हम ए टी एन टी और वेरेजोन की बात करते हैं वहाँ मैंने जैसे अभी आपको बताया कि चूंकि ये टेलीकम्यूनिकेशन और यूटिलिटीज सेक्टर से को रिप्रेजेंट कर रही है ए टी एन टी और वेरेजोन तो उनकी वैल्यू वन से छोटी है टोटल एसेट्स बहुत ज्यादा है लेकिन अगर आप लार्ज एसेट बेसिस की कंपनीज़ को कंसिडर करेंगे सिर्फ तो फिर आप लार्ज एसेट बेसिस की कंपनीज़ के साथ ही इनका वैल्यू रेशो का ऐसे टर्न ओवर रेशो की वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं इफ़ वी लुक एट द वैल्यूज फॉर वॉलमार्ट एंड टारगेट स्टोर वी कैन सी दैट दे आर लार्जर देन वन एंड दे शो दैट Uh, they seem to be more efficient as compared to the other two, which we have for which the um, asset turnover ratio values are smaller than one. Or here overall charo companies, the asset turnover ratio ka value hai sabse bada. That was two point three zero dollars. This means that one dollar total asset ke against वॉलार्ट स्टोर ने टू पॉइंट थ्री डॉलर कमाया है सो दिस मीन्स हाउ एफिशियंटली दे हैव डन देअर बिजनेस एज कंपेयर टू टारगेट ने वन पॉइंट सेवन नाइन डॉलर की रेवेन्यू uh, जनरेट की है सो दिस इज हाउ यू कैन ओवरऑल यू कैन कंपेयर द कंपनीज स्पेसिफिकली वैन दे आर ऑपरेटिंग इन द सेम सेक्टर और द सेम इंडस्ट्री On the basis of asset turnover ratio, that they are going to tell you how efficiently these companies are being run or they are being operated.